यहाँ हरिहर बनवासी है ना, हम के चिन्हत हो। अच्छा हम तो सोचे थे कि है। अच्छा अच्छा तो के तो हम ना चिन्ही तो हर सुहवल घर मतलब के नहीं है। अच्छा 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 कौन है बस्ती में, प्रेम का बस्ती में। अच्छा अच्छा ठीक ठीक अच्छा हाँ तो तोरे तो घरे हम जात रहे। हाँ हाँ तो लेका पढ़त हम से कि ना बही बच्चा के पढ़त हम से ठीक ठीक। हमार नाम बा सुधीर भारती, ये हुआ हरिहर बनवासी। हमार घर गाजीपुर में हुए और इनकर गांव बटे बिंदवलिया। और ये हुआ उमेश जी, इनका गांव बटे गाजीपुर से बाहर बमनपुरा। तो हम आए हैं जा रक्षाबंधन के त्यौहार मनावे खातिर अपने बनवासी बस्ती में। रक्षाबंधन का त्यौहार काहे मनावल जाला, बहन जाले कैसे मनावल जाला, बहन जाले अपने भाई के राखी बांधे। तो के गई है अपने, क्यों गई है यहाँ से राखी बांधे अपने भाई की? हाँ गए नहीं सर। अच्छा अब बाहर से के आई है यहाँ राखी बांधे, क्यों बा के लेकी हाथ उठाओ तो बाहर लेकी। अच्छा तू आये हो? अच्छा कहाँ से आये हो? बनारस से। अच्छा तुहार मायके यहाँ बा बनारस में? कहाँ तुहार ब्याह भइल है? चौबेपुर में। अच्छा तो बहुत बढ़िया। तो ये बतावा कि रक्षाबंधन कहाँ मनावल जाला, बतावा बतावा। त्योहार है बहुत बढ़िया, लेकिन एकर मतलब का बा? भाई बहन के है ना, काहे बांधे ले उसे का होला? नहीं बंधेबे करी हो तो ठीक बाटे, लेकिन एकरे हर काम के पीछे एठे मतलब होला ना। जब भूख लगेला तो आदमी खाना खाला, और उसे पूछा काहे खैले हुआ तो बताई कि हमके भूख लगल रहे। तो राखी काहे के बंधाला? राखी ऐसे बंधाला कि बहन अपने भाई के राखी बांध के याद दियावे ले कि हमार जब हमरे ऊपर कोनो आफत पड़ी विपत पड़ी तो तू हमार रक्षा करबा। जब कोनो बहन के जब के ऊपर आफत पड़ेला तो का कर ले, अपने मायके भाग के आवे ले, अपने भाई के खोजे ले। जब बाप माई ना रहेला तो के रहेला? भाई रहेला। एकर मतलब का बाटे कि भाई बहन का प्रेम हुए, ये प्रेम का त्यौहार बा। तो खाली भाइये बहन के बीच में प्रेम ना होला, प्रेम पूरा समाज में होके के चाहिए, है ना, आपस में भी होके के चाहिए। तब कोनो आपद विपद पड़ी तब एक दूसरे का साथ दे आला, साथ देवल आदमी देवेला। ओकरे बाद प्रेम व्यवहार बढ़ेला, एक दिन का प्रेम पूरा साल भर काम आवेला। जब राखी बांधी एक दूसरे के आदमी तो ओकरे बाद कोनो हू टू भी होई, कोनो तनी गड़बड़ भी होई तो दिमाग में आई कि हम तो राखी बांध ले रही हैं तो समाज ठीक रहेला। एकरे खातिर रक्षाबंधन का त्यौहार बनावल गई है, साल में एक बार सब कर आपस में प्रेम बढ़े। पहले आजकल तो होला कि ना पताला, पहले पंडित जी लोग अपने जजमान के यहाँ जाए राखी बांधे, राखी बांधे तैठे मंत्र पढ़ल जाला राखी बंधले में। मंत्र कैसे बा? ये न बद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम मनु बधनाम रक्षे माचल माचल। का मतलब भाई संस्कृत में पंडित जी तो पढ़ देना बताऊला ना का एकर मतलब होला। ये न बद्धो जिस प्रकार से बांधा, ये न मतलब जैसे, बद्धो मतलब बांध लिया, बली राजा, राजा एक कौन रहे? बली राजा, उनका नाम रहे बली। वो दक्षिण भारत में मद्रास उद्रास को उनका राज रहे। दानवेंद्रो महाबल, इतना दानी रहला है कि उनके दान करे का सबसे बड़ा दानी रहे और बहुत बलशाली रहला। तो प्रेम में उनको भगवान ने बांध लिया। तो जिस तरीके से प्रेम से राजा बली को बांध लिया,
तेन त्वाम, उसी तरीके से मैं तुमको प्रेम से बांधता हूँ और हमारी रक्षा करो। तो एक दूसरे को जब बांधा जाता है ऐसे राखी कह करके, तो एक दूसरे से की रक्षा करता है आदमी, प्रेम बढ़ता है। बनवासी में देखा पता चलेला कि बनवासी का बस्ती अलग बा, चमटोल अलग बा, ठकुरहान अलग बा, सब अलग अलग बाटे, सब अलग अलग रहेला, अलग अलग खाला पिएला। जब एक में मिलेला तो सबका प्रेम भाव बढ़ेला, जब अलग अलग रही तो प्रेम भाव तनी कम रहेला। तो हमान आए नहीं जाए से कि हमान का आपस में प्रेम भाव बढ़ल करी। तो उन लोग से आए मिलब, तो उन लोग जेबा मिलबा, कोनो कार्यक्रम में आओगे जाओगे तुम लोग, तो प्रेम भाव बढ़ा रहे। तो इसीलिए ये कार्यक्रम किया जाता है रक्षाबंधन का। एकरे पीछे एक ठे कहानी बाटे, तो के राजा बलि का नाम बतौली तब कहानी सुन लो, बच्चों सुना तू कुल। उनका रहे राजा बलि नाम रहे, तो कश्यप ऋषि रहना, एक थे ऋषि मुनि रहना, उनका नाम कश्यप रहे और उनका दो ठे मेहरारू रहनी, दिति और अदिति। तो दिति से दो ठे राक्षस पैदा भइला, हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष। तो भक्त प्रहलाद का नाम के सुन ले है, भक्त प्रहलाद का नाम किसने किसने सुना है? भगवान जी का बहुत बड़ा भक्त रहना है प्रहलाद। तो प्रहलाद जो रहना हिरण्यकश्यपु का लड़का रहला, और प्रहलाद का पोता रहला है बलि। तो बलि बहुत बहुत ताकतवर राजा रहला, तो बलि इतना ताकतवर रहला कि वो स्वर्ग के भी जीत लेला, और उनका राज्य रहे भारत में, और उनका राजधानी रहे मद्रास साइड में। तो जब वो स्वर्ग का राज जीत लेला, तो स्वर्ग का राजा जो रहे, का नाम बा स्वर्ग के राजा का नाम पता बा कोई के? क्या नाम था? हाथ उठा रहे बताओ। स्वर्ग के राजा का नाम इंद्र रहे। तो इंद्र गईला विष्णु भगवान के पास कि भाई हमार तो राज स्वर्ग का राजा बलि छीन लेला, हमको बचावा। तब भगवान भगवान विष्णु कहला कि ठीक है हम बचाएंगे। तो जो कश्यप ऋषि रहना उनका दूसर जो पत्नी रहनी, पत्नी रहनी दूसर मेहरारू, उनका नाम रहे अदिति। तो अदिति के पेट से वो जन्म लेला और उनका नाम भइल बामन। बामन कहे के भइल कि बड़ा नाटा रहला छोटा सा। तो जब बामन भइला तब बामन गइला राजा बलि के पास। तो राजा कहानी सुनत हो लोग कि नहीं सुनावत है, ताकि तो हम लोग के याद हो जाए कहानी, जाने के चाहिए कुछ। तो बामन गइला राजा बलि बहुत दानी रहना। तो बामन कहला कि राजा हमहू के दान दा। तो राजा इठे जग कैले रहना, जग कैले के बाद अपन सब कुछ दान दे रहना, उनके पास कुछ रहे नहीं। तब राजा बलि कहला कि आप आए हैं तो ठीक है, मांगिए क्या मांगते हैं आप। तो राजा बलि का जो गुरु जी रहना उनका नाम रहे शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य पहचान गेला कि तब विष्णु भगवान हुआ आई आई जो बाटे अपन भेष बदल के आये हुआ। तो शुक्राचार्य कहला कि ए बलि जुन मंगी है दिया मत, ये बहुत चालू है मैं। तो राजा बलि कहला कि हम तो वचन दे दिले हैं, अब तो हम देव। तो विष्णु भगवान कहला कि तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है, तुम क्या दोगे? तो कहला कि स्वर्ग का राज्य आप ले लीजिए, तो अपन विराट स्वरूप बनौना जैसन भगवान विष्णु रहला। तो एक पैर रखला तो स्वर्ग पूरा पहुँच गई ना। तो कहला कि स्वर्ग का राज तो हमारा हो गया। तो दूसरा पैर कहाँ रखी? तो बलि राजा कहला कि जमीन पर रख दा, तो पूरा पृथ्वी का राज उले लेना। फिर कहला कि अब दूठे हो गए, दू डेग तो हो गई, अब तीसरका पैर कहाँ रखी तेसर की बार? तो राजा बलि कहला कि अब तो हमारे पास कुछ ना है, लेकिन जो मालिक होला, मालिक अपने सारी संपत्ति से बड़ा होला। जब कोनो आपदा विपदा आवेले तो आदमी अपन जान बचावे खातिर सारा संपत्ति छोड़ देवेला। तो ऐसे कहल जाला कि आदमी
बड़ बा मालिक बड़ बा संपत्ति छोट बाते। राजा बाली कहला कि भाई हमार तो कपड़े बच गई बा, ए कपड़े पर पैर रख दा, हम ही के लेला। तब भगवान विष्णु बड़ा प्रसन्न भइला, कहला कि ए राजा बली, मैं तुमको पाताल लोक का राजा बनाता हूँ, और जब तक कलयुग रही तुम वहाँ राज करोगे। तब बली कहला कि अब आप तो हमके पृथ्वी से भेज देते हैं पाताल लोक में, तो हमार रक्षा के करी, तो आप भी हमारे साथ चलिए, हमार पहरेदार बनी हतु। तब विष्णु भगवान कहला ठीक है हम चलते हैं। अब वो चल गई ना, अब स्वर्ग में हाहाकार मचल कि अब कैसे रक्षा हुई हमार, कोनो दूसर राक्षस आके लूट ले। विष्णु भगवान तो गई ना राजा बलि का पहरेदार बन गई ना, तो वो लोग गई ना लक्ष्मी माई के यहाँ। लक्ष्मी माई भगवान विष्णु का पत्नी है, उनका मेहरारू हैं और उनके सिखौला पढ़ौला। तो लक्ष्मी माई गई नहीं राजा बलि के यहाँ भेष बदल के मेहरारू बन के, तो कहने कि भाई हम बहुत गरीब हैं, हमके दान चाहिए, तो तुहार जोन सबसे प्रिय वस्तु बा तौन दे दा। तो राजा बलि कहला कि हमार सबसे प्रिय वस्तु तो ही पहरेदार बाणा, लेकिन इनके देले से अच्छा है कि हम अपन प्राण त्याग दे, हम इनके ना दे। तब लक्ष्मी जी बेचारी, लक्ष्मी जी कौन जी का देवी हैं क्यों बताई? दिवाली में पूजा कर लूँ ना लक्ष्मी गणेश का, लक्ष्मी जी का पूजा काहे कर जाला? धन समृद्धि का देवी हैं लक्ष्मी जी का पूजा कर जाला कि घरे में धन आवे। तो लक्ष्मी जी जोन बाटी तब अपने रूप में आई नहीं, लक्ष्मी जी अपने रूप में आई नहीं कि भाई कहने कि हम लक्ष्मी हैं, हमारी पति बाणा, अब तू इनके रख ले ले हुआ, तब कैसे हो तू नहीं के इनके छोड़ा। तो राजा बाली कहला कि अब तो हम कह दे ले हैं तो इनके हम छोड़ दे, लेकिन अब तू तो हमार बहन बन गई लू, अई हमार बन गई ना बनोई, तब एक काम है कि अब यहाँ कुछ दिन रह के जाए की हुई। तो दोनों लोग विष्णु भगवान और लक्ष्मी माई वो कहली कि ठीक है रहब। तो रक्षाबंधन के दिन लक्ष्मी माई विष्णु भगवान के प्राप्त कैली, वही रक्षा बांध करके जोन हमान आपस में बांधल जाइए एक दूसरे के, और ओकरे बाद धनतेरस के दिन ओकरे बाद फिर अपने लोक में गई ना। तो जब ऊपर जब विष्णु भगवान लक्ष्मी जी आ गई ना, तो सब देवताओं में हर्ष भइल, बड़ा खुश भइल, पृथ्वी पर भी सब लोग खुश भइल, और ओकरे अगले दिन दिवाली मनावल गई। तो ये बाटे रक्षाबंधन का त्यौहार, ये बाटे प्रेम का, प्रेम से कोई का मूड़ी काट ले बा तो कटा दे, लेकिन जोर जबरदस्ती कोई के गरिया के तो काम ना करा सकेगा। एकर मतलब ये बा कि प्रेम बढ़े सब लोग, तो हम अभी कहानी सुन ले ही जा, एक दूसरे के रक्षा ही बांधल जाए, और मन में संकल्प लेवल जाए कि पूरे साल भर हम लोग झगड़ा ना करे के आपस में, प्रेम व्यवहार करे के, और याद करे कि हम वो दिन रक्षा बंधले रही हैं आपस में एक दूसरे से प्रेम से मिले के बाटे। तो सब लोग ये रक्षा लेला बांधा, और मिठाई क्या परात रख मंगाओ तन से कौन थाली लेना, थाली बड़ा था तो मिठाई रह, सब लोग मिठाई खाई। मेहरारू के दे दा बाटी, ए बुढ़ी कौन मेहरारू के दे दा बाटी, सब लेकिन के पटाओ एक दूसरे के बाना लो कोई मन बाना लो, खियावत रहा लो, जैसे कैसे खियावलो लोग अपने भाई के बाने लो, सब एक दूसरे खियावे, सब लोग खात रहा लो बानत रहा लो वही में से लो, हाँ बानत रहा लो खियावत रहा लो। हाँ देखा ये कितना बढ़िया होता, बाना लोग अपने में देखा था, यही प्रेम है ना, हाँ यही। अब भाई बांट दा सबके जी का बिया, आ लोग अपने अपने मड़ई पे चढ़ा दिया लौकी, नेनुआ फरी करेला भिंडी
भिंडी नीचे गाड़ दिया लो, करेला नेनुआ ऊपर चढ़ा दिया लो छत पे, बांट दिला भैया बाटा सबके, बांट दा एक 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 पैकेट बांट दा सबके पास। हाँ ना जगह मड़ई उड़ई छतोत हाँ ना, हाँ तो सब लोग अपने अपने नेनुआ लौकी करेला लगा लिया लो। हाँ घर में एक आदमी बड़ बड़ा नहीं पा जाए, आपसे भरा दिया।